हे फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा पता होगा आपका इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम फ्रेंड्स पहले तो आपका 25 अप्रैल को कुछ भाइयों का है, उसके बाद फ्रेंड्स बाकी लोगों का 7 से 8 मई से स्टार्ट है। ठीक है, सो फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ मैंने जेडी के टॉपिक्स आपको अच्छे इंपॉर्टेंस से प्रोवाइड करा दिए। आप उन टॉपिक्स को तैयार कीजिए और मैं ऐसा हो सकूँ मैंने फ्रेंड्स मैंने कहा था कि मैं आपको टॉपिक्स मतलब तैयार कराने वाला हूँ, थोड़ा फ्रेंड्स प्रॉब्लम चल रहा है, बट मैं फ्रेंड्स जल्दी आपको मतलब जिस दिन चाहूँगा मतलब 1 से 2 दिन फ्रेंड्स 2 से 3 वीडियो आपको बना के दे दूँगा और ऐसे वैसे वीडियो मतलब दूंगा फ्रेंड्स, जिससे मतलब आपको देखते ही वो टॉपिक्स के बारे में फ्रेंड्स काफी को समझ पे आ जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेनली जो वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एसआरटी के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। फ्रेंड्स जैसा कि पता होगा आपका फिर सेकंड में फ्रेंड्स 81 होता है, 81 मतलब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट में फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन साइकोलॉजी बेस्ड पूछे जाते हैं, जिन्हें फ्रेंड्स एसआरटी भी बोल सकते हैं, एनडीए वगैरह पे एसआरटी वैसे बोलते हैं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, मतलब किसी एक सिचुएशन को आपको दिया जाएगा उसमें आपको रिएक्शन करना होगा, वही आपका टेस्ट होता है। ठीक है, इसी को एसआरटी बोलते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे फ्रेंड्स 30 मिनट पे 45 क्वेश्चन होते हैं, ये सभी तो आपको पता होगा। ठीक है, इसमें 7 to 8 क्वेश्चन आपका रीजनिंग के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 6 to 7 या 7 to 8, इतना 8 में क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं फ्रेंड्स। वो रीजनिंग के क्वेश्चन आप बिना पढ़े भी इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने एसआरटी के 3 वीडियोस प्रोवाइड किए फ्रेंड्स, उसमें भी वो काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, वैसे ही क्वेश्चंस जो लास्ट टाइम प्रीवियस टाइम आज के वो क्वेश्चंस है। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो पे। और एक बात बता दूँ फ्रेंड्स, अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे मैं मतलब 25 अप्रैल को आपका पहला तो पहला फिर सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद जो भी अपडेट होगा, ठीक है, मैं नेक्स्ट वैकेंसी भी फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मतलब आपने फर्स्ट क्लियर नहीं किया तो फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट वैकेंसी की प्रिपरेशन करना है तो वहाँ पे भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना कि क्या फंडा है आपका, बिना टाइम लेते हुए फ्रेंड्स क्वेश्चन से आप पे करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब इसी तरह से आपको वहाँ पे करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उसके आंसर भी आपको बताते चलूँगा। बस फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए एसआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको अपने सेंस के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। ठीक है ना, आपको पता होगा फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अपने सेंस के अकॉर्डिंग, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपने सेंस के अकॉर्डिंग इस तरह, जैसे कि फ्रेंड्स मान लीजिए कि कोई सी सिचुएशन आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पे आपको आंसर उसका करना होगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो तो फ्रेंड्स वहाँ पे दिया हुआ है तो मैं आपको बता दूंगा, बट आपको वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आंसर देना होता है क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, आपको वहाँ पे जल्दी जल्दी नहीं करना फ्रेंड्स, 30 मिनट का टाइम होता है, इनफ टाइम होता है। 30 मिनट में 45 क्वेश्चंस करना मतलब इजी होता है फ्रेंड्स, आप इजी वहाँ पे कर सकते हैं अटेम्प्ट। कोई डाउट हो आपको मेडिकल फिजिकल एंड जीडी फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो एयरफोर्स फेस सेकेंड या एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आपका श्योरली रिस्पॉन्स दूंगा और जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, और फ्रेंड्स थैंक यू ठीक है मतलब किसी चीज़ के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू मतलब इस वजह से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मैंने मुझे बनाया मतलब चैनल को मेरे ऑलमोस्ट अभी 1.5 महीने हुए हैं, 1.5 से 2 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बता दूँ यहाँ पे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो फ्रेंड्स 800 पहुँच गए हैं। ठीक है, इसके लिए थैंक यू बोल रहा था। ठीक है, सो फ्रेंड्स देखिए अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 नंबर तक क्वेश्चन मैंने इससे पहले वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं, और उससे फ्रेंड्स पहले मैंने 10 क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट जो है आने लाइक है वही क्वेश्चन फ्रेंड मैंने सर्च करके आपको प्रोवाइड करा दिए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है, देखिए वो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पर लिखा हुआ है आपके दोस्त ने आपको अपनी शादी के पार्टी में नहीं बुलाया तो आप क्या करेंगे। फ्रेंड्स एक सिचुएशन है, ठीक है, एसआरटी मतलब एक सिचुएशन आपको दी जा रही है कि आपका जो फ्रेंड है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपने दोस्त मतलब आपके दोस्त ने आपको अपनी शादी की पार्टी में नहीं मिला, आपका मित्र था और आपको अपनी मतलब मैरिज पे इनवाइट नहीं किया, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे। मीन्स उससे मतलब अपना उसके खिलाफ पकड़ोगे मीन्स फ्रेंड्स उसका खिलाफ कर लोगे, मीन्स उसके अगेंस्ट चले जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगेंस्ट वाली कोई बात ही नहीं। दूसरा, पूरे अफेयर को इग्नोर करोगे, मीन्स फ्रेंड्स ये इग्नोर करोगे कि मेरे फ्रेंड की शादी है फ्रेंड्स ये वगैरह वगैरह, इस तरह से उसे मतलब मैटर को हटा दोगे सामने से। नेक्स्ट, उसे अपनी शुभकामनाएं भेजोगे, समारोह में भाग लोगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इसका जो राइट आंसर दिया हुआ है सी पार्ट, बट फ्रेंड्स यहाँ पे आप डी पार्ट भी आपका हो सकते हैं बाई चांस फ्रेंड्स, अच्छा मतलब आपका अच्छा मित्र भाई, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता मतलब कहीं कहीं पे कि आप चले जाते हैं, बट फ्रेंड्स देखिए सी पार्ट एंड डी पार्ट कुछ भी हो सकते हैं, बट फ्रेंड्स यहाँ पे सी ज़्यादा बेटर है क्योंकि डी पे फ्रेंड्स आंसर ये इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि अगर आपका बेस्ट मतलब मित्र होगा तो फ्रेंड्स वो आपको जरूर इन्वाइट करेगा। ठीक है, बाई चांस अगर भूल जाए तो फ्रेंड्स इसका ये भी आंसर हो सकता है कि मैं समारोह में भाग लूंगा, ठीक है ना, बट फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो अभी यहाँ पे तो सी ही होगा। ठीक है, सो सी इसका राइट आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा वो आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन में यात्रा करते समय आप कॉलेज के कुछ छात्रों को अलार्म खींचते हुए देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मतलब आप ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और फ्रेंड्स अलार्म मतलब फ्रेंड्स जो चेन होती है ना, चेन पुलिंग, उसे मतलब कोई स्टूडेंट्स जो थे उसे चेन पुलिंग कर रहे थे ताकि वे अपने इच्छित स्थान पर उतर सकें।
तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स, चुप रहो और कुछ ना करो फ्रेंड्स, ये तो गलत है, ठीक है ना, कि आप कुछ ना बोलो, ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स, ट्रेन के रुकते ही गार्ड को सूचित करोगे फ्रेंड्स, ये भी गलत है। देखिए कुछ यात्रियों की मदद से उन्हें ऐसा करने से जांचे, मतलब फ्रेंड्स उन्हें ऐसा करने से जांचे कि मतलब मान लीजिए फ्रेंड्स आप ट्रेन पे यात्रा कर रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स, अचानक मान लीजिए ये आपका गांव है और यहाँ पे आपको ट्रेन रुकना है, तो फ्रेंड्स आप ये ट्रेन जा रहे थे तो आप यहाँ पे कर देते हैं चैन पुलिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आपको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैंडल करना है, उन्हें टी चैन खींचने से खींचने दें लेकिन उन्हें रुकने से रोकें। मतलब फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे अगर कोई भी बंदा है और फ्रेंड्स आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप मतलब किसी बाइक को मान लीजिए आप अपने यहाँ पे पोजीशन पे अपने आप को ले लीजिए फ्रेंड्स, जैसे कि कल आपका पेपर है, ठीक है, कल फ्रेंड्स एनडीए का पेपर कई भाइयों का, ठीक है, 21 तारीख को, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए कल हो, कल नहीं परसों है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अगर मान लीजिए रास्ते पे जा रहे थे, आपका 8 बजे से पेपर है, ठीक है, और यहाँ पे अगर 7 बजे या कुछ टाइम पे आपको ट्रेन मतलब यहाँ पे जा रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर कोई बंदा रोक देता है फ्रेंड्स, अगर ट्रेन ऐसी चैन पुलिंग करके रोकी जाती है फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट आपका टाइम वहाँ पे लग जाएगा। तो देखिए ये फ्रेंड्स करना गलत है। तो फ्रेंड्स आप कुछ यात्रियों की मदद से उन्हें ऐसा करने से जांचें, मतलब उन्हें ऐसा करने से रोकें, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी पार्ट, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है बट मैं यहाँ पे वही आंसर बता रहा हूँ जो वहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे बता दूँ मेरी अकॉर्डिंग भी वही सही है, क्योंकि फ्रेंड्स वही रोकना ही बेटर होगा, ठीक है। अपने सेंटर पर उतरो, जहाँ पे जैसे अगर ट्रेन रुकती है तो वहाँ पे उतर सकते हो, अदरवाइज अपने सेंटर पे जाके रुको, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट है, देखिए आप किसी फल विक्रेता की गाड़ी से टकराते हैं, तो आप सड़क पर ही अपनी कार चला रहे होते हैं, तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स। आप मतलब फल विक्रेता कोई फल बेच रहा था, उसकी मतलब जो मान लीजिए ठेलिया जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसे मतलब कोई बोलते हैं पता नहीं, वैसे ठेलिया बोलते हैं आई थिंक, ठीक है, तो टकराते हैं, तो सड़क पर कार चला रहे थे, ठीक है, आपकी कार उससे चला मतलब टकरा जाती है, तो आप सड़क पर कार चला रहे होते हैं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। दूर ड्राइव करके साइड से बचें, ठीक है। दूसरा मतलब फ्रेंड्स इसका कहने का मतलब वहाँ से हट जाएं, ठीक है। दूसरा आग्रह करें कि या आपकी गलती नहीं थी, मीन्स फ्रेंड्स आग्रह करें कि या मेरी गलती नहीं थी, मतलब उस ड्राइवर की गलती नहीं, तो उससे मतलब विनती करें। दूसरा रास्ते में अपनी गाड़ी लगाने के लिए फल विक्रेता से दुर्व्यवहार करें, मीन्स फ्रेंड्स उससे दुर्व्यवहार करें कि अरे आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये करें, ठीक है। नेक्स्ट है, या फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, फल विक्रेता को उससे हुए नुकसान का भुगतान करें, मीन्स फल विक्रेता था उससे उसका नुकसान पेमेंट कर दें। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी पार्ट होगा, मतलब कि अगर आपसे उसका नुकसान हुआ तो उसका नुकसान पेमेंट कर दें, अदरवाइज रहने दें, ठीक है। फिर मतलब फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग, आपका अकॉर्डिंग जो आंसर होगा यहाँ पे आपका डी पार्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, कि आप रात के खाने में मेहमान हैं, मेजबान आपको पेट भर जाने के बाद एक और चपाती लेने के लिए कहते हैं, मीन्स फ्रेंड्स आप किसी के घर में खाना खाने के लिए गए और आपका पेट भर गया, ठीक है, वहाँ से दूसरे बंदे मतलब वहाँ जो आपको खाना परस रहे थे दे रहे थे, ठीक है, और ठीक है, तो फ्रेंड्स वो कह रहे हैं कि आप और ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर चपाती मतलब रोटी दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए लेने के लिए कहते, तो आप क्या करेंगे, कुंद मना करोगे मतलब मना कर दोगे, दूसरा उसे पर बुरा चेहरा बनाओगे, फ्रेंड्स ये कोई बात नहीं, आपको पहले मतलब मेहमान है, आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, दूसरा चपाती ले लो ना मतलब ले लोगे, तीसरा विनम्रता से कहते हैं कि खाना बहुत अच्छा था और पहले ही बहुत खा चुके हैं, फ्रेंड्स यही रहते आप भी ऐसे ही करते होंगे, ठीक है। तो यही इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी पार्ट, ठीक है, कि उनसे विनम्रता से कहोगे नॉर्मली कि जेंटली पोलाइटली कि सर मतलब मैंने खाना खा लिया है, मतलब इनफ है, ठीक है ना, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड देखिए, कि आप एक नदी से गुजर रहे हैं और आप तैरना जानते हैं, अचानक आप एक डूबते हुए बच्चे की रोना सुनते हैं, आप क्या करेंगे, मीन फ्रेंड्स आप तैरना जानते हैं और अचानक मतलब एक डूबते हुए बच्चे की आवाज़ सुनते हैं, फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं पहली बार तो देखना बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप फ्रेशर मतलब हैं, ठीक है, अगर आप अगर मतलब कर चुके हैं अटेम्प्ट इससे पहले, तो फ्रेंड्स देखना कि आप बिल्कुल श्योरली आप ये क्वेश्चन फिर से पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा कि आप एक नदी से गुजर रहे हैं और आप तैरना जानते हैं, अचानक आप बहुत मतलब डूबते हुए बच्चे को रोना सुनते हैं, आप क्या करेंगे, पेशेवर ड्राइवर को लिख दोगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स बच्चा था वो नदी में मतलब कहीं ना कहीं पानी पे ही बता रहे हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स पानी पे मतलब डूब रहा था, ठीक है, तो आपको सेंस के अकॉर्डिंग अपना सेंस लगाना फ्रेंड्स, अगर आप तैर लेते हैं, किसी बच्चे के डूबने की आवाज़ आ रही है, मतलब आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि वो बच्चा है, तो आपके सामने फ्रेंड्स कहाँ पे ना किसी को इन्फॉर्मेशन देना है ना कुछ करना, क्योंकि आप फ्रेंड्स तैर लेते हैं, अगर तैर नहीं लेते तब तो फ्रेंड्स आप हल्ला मचाएं चाहे जो करें, बट फ्रेंड्स अगर तैर लेते हैं तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका डी पार्ट, कि उसे बचाने के लिए आप नदी में कूदेंगे और उसे बचाएंगे, ठीक है ना, मेरे अकॉर्डिंग यही आंसर होने वाला है। आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, आप चारों को चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि किसी दूसरे बंदे की मदद के लिए यहाँ पे वेट करेंगे कि दूसरा बंदा है और उसकी हेल्प करे, तो ये नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप तैर लेते हैं फ्रेंड्स उसकी हेल्प कीजिए, ठीक है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स,
नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे आप एक बस में हैं और आपका आपके स्टाफ तक पहुँचती है, इस बस आपके स्टाफ तक पहुँचती है, लेकिन फिर भी भारी भीड़ के कारण आपने टिकट नहीं खरीदी, अब क्या करोगे? मीन्स फ्रेंड्स आप बस पे चल रहे थे, ठीक है, भारी मतलब भीड़ बहुत थी, ठीक है, क्राउड जो था बहुत ज़्यादा था, तो आपने टिकट नहीं खरीदी, तो आप क्या करोगे? शर्मिंदगी से बचने के लिए जल्दी से बाहर निकलोगे। फ्रेंड्स हो सकते हैं कुछ में भी हो ऐसे बंदे, ठीक है, बट आप नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइवर को पैसे दे दो, नेक्स्ट पैसे को पास में बैठे किसी व्यक्ति को कंडक्टर को देने के लिए कहो। फ्रेंड्स का क्या मतलब, हाँ ये भी हो सकता है कि दे दो। नेक्स्ट है कंडक्टर को बुलाओ, उसे पैसे दो और टिकट पाओ। मीन्स फ्रेंड्स ये भी मतलब ये तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्ट्रेटजी मतलब ये तो रियलिटी है मतलब सही है, बट फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी आंसर आप हो सकता है कि मतलब किसी बंदे को कह दो भाई उनको ये रुपए दे दो, या फ्रेंड्स या फिर शर्मिंदगी से बचने के लिए भी बाहर निकलो। कुछ बंदे ऐसा भी करते हैं, आप देखते होंगे अगर बस वगैरह पे आप सफ़र करते हैं, ट्रेन वगैरह पे देखते होंगे, क्योंकि काफ़ी बंदे टिकट लेकर ही नहीं चलते, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें गलत चीज़ें हैं, ठीक है ना। ड्राइवर को पैसे दे दो, फ्रेंड्स ये नहीं, ड्राइवर नहीं कंडक्टर है तो कंडक्टर को ही पैसे देना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जब आप स्टेशन पर ट्रेन में सवार होते हैं तो आपको अपनी सीट के नीचे एक सूटकेस मिलता है, आप करेंगे? मीन्स फ्रेंड्स जब आप एक स्टेशन पर थे, ठीक है, ट्रेन में सवार थे और आपको अपनी सीट के नीचे एक सूटकेस मिलता है, तो आप क्या करोगे? अपने सामग्री देखने के लिए सूटकेस खोलोगे। नेक्स्ट है यह दावा करने वाली कोई नहीं है, इसे अपने कब्जे में ले लें, ठीक है। नेक्स्ट है कागजात आदि से मालिक का पता जानने की कोशिश करोगे या सूटकेस है, मामले की सूचना पुलिस को दोगे। फ्रेंड्स बिल्कुल बेस्ट है कि पुलिस को इन्फॉर्म करो और पुलिस ही उसका सब कुछ देगी, क्योंकि फ्रेंड्स उस सूटकेस में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, आई थिंक यू गेस, मतलब फ्रेंड्स कुछ भी, ठीक है ना। फ्रेंड्स अगर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन वगैरह पे फ्रेंड्स बॉम्ब वगैरह भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप पहले ऐसा करें कि पुलिस को इन्फॉर्म करें, उसके बाद फ्रेंड्स पुलिस ही जो करने वाली है आपको, मतलब एक रियल आदमी की मतलब सिचुएशन से यही बनती है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करें, अब खोलना है तो खोलिए, ठीक है, मतलब कुछ होंगे जो उठा ले जाएंगे वहाँ से और खोलेंगे, बट फ्रेंड्स ये नहीं होता है, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है। रियल आंसर आपका यही होने वाला है कि पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, पुलिस जो करना होगी वही करेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे पटाखा फोड़ते समय एक बच्चा हाथ पर गंभीर रूप से जल जाता है, तो तुम क्या करोगे? मीन्स फिर पटाखा कोई फोड़ रहा था, ठीक है, और बच्चा पर एक रूप से मतलब पटाखा फोड़ते फोड़ते एक बच्चा गंभीर रूप से जल जाता है, तो तुम क्या करोगे? बच्चे को डुबो दो ठंडे पानी में हाथ जब तक अधिक जलन नहीं होती, ठीक है। फ्रेंड्स इसका जो ये तो फ्रेंड्स साइंस बेस्ड, थोड़ा सा साइंस बेस्ड, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आप इसे इजिली कर लेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ना वो ए पार्ट होगा, ठीक है ना। डिटॉल से हाथ धोना होगा, ना डॉक्टर को बुलाने के लिए किसी को भेजेंगे, फ्रेंड्स बहुत टाइम हो जाएगा, तब प्रभावित क्षेत्र पर कुछ मरहम लागू करेंगे। फ्रेंड्स ये सब ठीक है, बट फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए पार्ट, कि बच्चे को डुबो दो ठंडे पानी में हाथ जब तक अधिक जलन नहीं होती, ठीक है। सो इसका हो जाएगा आपका ए पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने ये मेरा चौथा पार्ट है वीडियो का, और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ठीक है। बस आपको करना है क्या, चैनल को किया रहना सब्सक्राइब, मैं आपका जेडी वगैरह के टॉपिक्स एंड सिचुएशन मतलब उसकी प्रिपरेशन भी कराने वाला हूँ। फ्रेंड्स बस दो से तीन दिन आप वेट कर लीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम चला है फ्रेंड्स, अगर इन 25 तारीख वाले भाइयों को तो नहीं हो पाएगा, बट आगे जिनका जिनका एग्जाम है मैं उनकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। नहीं देखिए आप पाते हैं कि जिस व्यक्ति को आप अपना मित्र कहते हैं वो आपको धोखा दे रहा है, तुम क्या करोगे? मैं फ्रेंड्स आप जिसे अपना मित्र कहते हैं वो आपको ही धोखा दे रहा है, तो आप क्या करोगे? उससे संबंध तोड़ लोगे, उससे टांट के लिए शीर्षक दोगे, उसके बारे में अन्य दोस्तों को बताओगे, उसे उसकी गलती का एहसास करोगे। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अन्य दोस्त, देखिए उससे संबंध तोड़ लोगे, फ्रेंड्स आपका मित्र है कोई गलती कर देता है, ठीक है, आपको पता है, तो फ्रेंड्स ये भी हो सकता है आप ऐसा करते हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके टांट के लिए उसे शीर्षक दोगे, मीन्स उसे फटकारोगे कि मुझे मतलब धोखा क्यों दे रहे हो। तीसरा उसके बारे में अन्य दोस्तों को बताओगे, फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है। अगला उसे उसकी गलती का एहसास करोगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए चौथा नंबर आंसर दिया हुआ है डी पार्ट, ठीक है, बट फ्रेंड्स इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी हो सकता है, कोई भी फ्रेंड्स कोई भी, इसका मतलब कोई भी राइट आंसर हो सकता है, ठीक है ना। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी इसका आंसर हो सकता है, आप किसी भी आंसर के साथ में जा सकते हैं, एक्सेप्ट बी वाला भी भाई छोड़ दीजिए, बाकी उसके साथ कोई भी आंसर हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सभी हो सकते हैं, अब आपके अकॉर्डिंग जो आपको बेटर लगे वो उसके साथ में आप जा सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आज के मतलब आज मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, तो अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो फ्रेंड्स कोई कोई होता है जो मतलब उससे मित्रता ही तोड़ देता है कि मुझे धोखा दे रहा है, दूसरा उसके बारे में दोस्तों मतलब फ्रेंड्स ये तो मतलब रियलिटी है कि अन्य फ्रेंड्स के बारे में बताएंगे कि हाँ उसने ऐसा किया वैसा किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसी मतलब सिचुएशन आपको मैं अभी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको अपने सेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स देखिए अपने दोस्त की पार्टी में शामिल होने के दौरान आप अपने दोस्त के मफलर को मोमबत्ती से आग पकड़ते हुए उसके पीछे मेज पर देखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए दोस्त की माँ को बुलाने के लिए दौड़,
दूसरा अपने फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइपिंग भी उस पर मतलब गलती हो गई, ठीक है, उसे फ्रेंड्स माफ करना, ठीक है। देखिए दोस्त की माँ को बुलाने के लिए दौड़ेंगे, अपने दोस्त को उसके पीछे देखने के लिए कहेंगे, मफलर निकाल कर फेंक देंगे, दौड़ और मफलर को अपनी गर्दन से बाहर निकालते उसे गिराएं और उस पर पानी डालें। फ्रेंड्स मतलब कि मतलब मोमबत्ती आपके दोस्त के ऊपर गिर गई ऐसा कुछ मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, तो उसके दौड़ कर पहले तो मफलर अपनी गर्दन से निकाल कर उसके ऊपर डालोगे और पानी डालकर उसे बुझाने का प्रयास करोगे एज फास्ट एज मतलब जल्दी से जल्दी हो सकेगा, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका डी पार्ट होगा, मीन 20 नंबर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने आपको 10 क्वेश्चन इस वीडियो पे भी करा दिए और 10 मतलब नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो पे इतने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको, और एक बात बता दूँ फ्रेंड्स, चैनल को किया रहना सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे भेज दीजिए, आज करना मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। कोई वैसा डाउट होगा तो मैं आपसे मतलब पर्सनल नंबर लेके आपको मतलब वो डाउट क्लियर भी कर दूँगा। सो फ्रेंड्स एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को करना सब्सक्राइब, और चैनल पर फ्रेंड्स ऐसी वीडियो पाते रहना और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करना। सो फ्रेंड्स एट लास्ट बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।